son. ये किलो का बाग है, ये कितने एकड़ या कितने उसमें आपकी जो कितने एकड़ में है? 22 एकड़। और ये जो आप किलो का कितने माह में या कितने दिन में ये पौधा जो है ना फल देना शुरू कर देता है? ये तकरीबन 4 साल के बाद। और इसमें कितनी किस्में होती हैं? इसमें काफ़ी किस्में होती हैं। इसमें कुछ किन्नू होता है, मौसमी होता है, माल्टा होता है, कॉन्सलेट होता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि कई किस्में होती हैं, ये इनमें कोई आप वो किस्मों का कोई वो डालते हैं या खुद ब खुद ये निकलती है कुदरती तौर पर? नहीं, कुदरती तौर पर नहीं, इसको पबंध लगाते हैं। अच्छा, नर्सरी लगाते हैं ना, उसके बाद इसको पबंध करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को पबंध लगा दें, किन्नू का लगा दें, मौसमी का लगा दें, माल्टे का लगा दें। अच्छा, तो इसका ये जो पौधा निकलता है ये अलहदा अलहदा होता है या इकट्ठे निकलता है, यानी कि किन्नू मौसमी और ये? नहीं, अलहदा अलहदा अलहदा। और ये कितने दिन में पौधा जो है ना ये फल देना शुरू कर देता है? ये तकरीबन 4 साल के बाद। 4 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। अच्छा, तो कितना ये फल लग जाता है आपके ये इतनी? ये औसतन तकरीबन जो है ना ये 4 मन का बूटा होता है। 4 मन का एक बूटा? एक बूटा। अच्छा, तो तकरीबन कितने ये बूटे होते हैं आपके? ये एकड़ में होता है तकरीबन 80 से लेकर 100 बूटे। 80 से लेके 100। अच्छा, तो इनका ये एकड़ के अंदर ये लगाने का तरीका क्या होता है इसका? ये एकड़ में जमीन देखनी पड़ती है, मेरा जमीन है, सख्त जमीन है, रेत वाली जमीन है। तो ये कितने फासले पे लगाते हैं? ये तकरीबन 20 से 25 फुट के फासले पर होता है। तो क्या इनकी तरतीब का भी ख्याल रखा जाता है? ये तरतीब का लाजमी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इसमें हल चलाने पड़ते हैं, इसकी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तरतीब ना हो तो ये ट्रैक्टर चलाने की वजह से ये सब गायब हो जाएगा। तो ये आप देखें ना, सब लाइनों में लगे हुए हैं ताकि इसमें आदमी हल चलाए तो सीधा हल जाए, इधर उधर बूटे को नुकसान ना हो। तो क्या इसके अंदर कोई बीमारी भी आ सकती है? इसमें बहुत ज्यादा बीमारी होती है। तो बीमारी को बचाव के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम स्प्रे करते हैं, इसमें फ्लड करते हैं नीचे जमीन में जो दवाई है पानी के साथ। सही, तो वो जो सफेदी नीचे लगाते हैं ये इनके तनों में, उसका क्या मकसद होता है? ये जो सीवी होती है ना, या नीचे जो है जड़ें जो होती हैं, इनमें जो भी बीमारी पैदा होती है उसकी वजह से ये लगाते हैं ताकि वो बीमारी दूर हो जाए। यानी वो जो नीचे जो कीड़े मकोड़े या जो भी हैं वो ऊपर दरख्त ऊपर ये नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, और दूसरी वजह से ये नीचे जो है ना जड़ें इनको नुकसान देते हैं, उसकी वजह से पौधा जो होता है वो बीमार हो जाता है। तो क्या हम जो बाग के एकड़ होते हैं, जो जमीन होती है, उसके अंदर हम कोई और फसल भी लगा सकते हैं? जी, लगा सकते हैं। मसलन गंदम लगा सकते हैं, चारा वगैरह आप काश्त कर सकते हैं। अच्छा, तो उससे उसको बाग को कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, इतना ज्यादा नुकसान नहीं। अगर सही तरीके से सही टाइम पर उसकी कटाई हो जाए, तो इसकी तैयारी हो जाए, तो उसमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो क्या ये बारिश हो उससे भी कोई नुकसान हो सकता है इसको? ये अभी फल जो है ना, ये अभी फल जो है ये पका हुआ है, फुल पक गया है। सही, अगर अभी बारिश होगी तो ये नुकसान देगा। वैसे पहले जो बारिश होती है वो फायदेमंद। तो क्या ये सर्दी से भी इसको फर्क पड़ता है? ये सर्दी से ज्यादा सर्दी पड़ जाए ना, माइनस से 0 माइनस पे आ जाए सर्दी, उसकी वजह से ये लस और त्रेड़ जो है ये किन्नू पड़ जाती है और किन्नू नरम हो जाता है। ऐसा मैंने सुना है दुनिया में हमारा जो ये किन्नू है ये तकरीबन 1 नंबर पे है। जी, 1 नंबर। वो सी लैक की वजह से वो इसका जो है चाइना का किन्नू जो है वो पहले नंबर पे था। जी जी, तो अभी पाकिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं, नर्सरी जो है वो लग चुकी है सी लैक के लिए। ठीक है, तो हमारा किन्नू जो है ना ये जैके के लिहाज से, मिठास के लिहाज से और तुरश ज़्यादा है।
इस वजह से ये दुनिया में पहले नंबर। तो इसको ये जो जब तोड़ते हैं तो तोड़ने का क्या तरीका है, एक मखसूस तरीका होता है इसका? ये इसका मखसूस तरीका होता है, मतलब इसकी ना डंडी ज़्यादा ऊपर रखनी पड़ती है, अगर उसको ऊपर रखेंगे इसको नुकसान देता है, जख्म कर देता है, ये फिर एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहता। मतलब जो लेबर है ना वो सही तजर्बे वाली लेबर होती है, सही तरीके से बहुत शुक्रिया साहब। इन्हां दी कटाई किवें हुंदी? ए जी आ मुल्तानी मुल्तान दे एक रहंदे ते लेबर अस मंगाई होई। अच्छा ते इहदा की तरीका के वे? ए जी कैंची ते पल्ली ते बंदे उत्ते कटाई करदे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਖਾਓ ਕਮਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਛੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਟਾ ਕਟ 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 जल्दी क्यों कराना? तुम सकदा आटा पिसाओ घट पड़ डंडी में रखा है, डंडी जितनी रखो क्यों इंज खा मखा अपनी जितनी करा कर सब। ये अपना इथले डह क्यों पाउन देना? ये दाना हाथ से छुटदा ने ना जी तो डांदा नहीं नहीं अपने आप तो अपने आप तो ये डांदे जिसले पक वेंदे ने जी मोटा माल हुंदा, मोटा ज्यादा डांदा जी डबल लाइए ना जी तलवा माल दब नहीं आंदी, खराब नहीं महफूज रहंदा। टप लाई सारा माल महफूज नाले हूं पक्का हो गया डासी तरीका है ना जी कटने का इंज नहीं। हाँ ये देखें इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। जो हम लोग जो है ना इधर जो जिस तरीके से ये खाते हैं, हाँ ये देखें उधर देखें ऐसे करते हैं, इसको आधा कर लिया फिर ऐसे कर लिया, ठीक है फिर ऐसे तोड़कर यानी इसको ये कह रहे हैं कि ये देखे इधर देखे मेरी तरफ ऐसे किया
लाली नहीं ना जो सही कक्का रंग सर लाल सुरख दे उन्होंने क्या आंदा कि जरा अच्छा किन्नो होता है बहुत अच्छा वो सुने अब की बात से टॉप सारा दे लाल से ये तो सही बात से इससे तो बेस्ट भी नहीं याद करो अच्छा जुल्फकार साहब अमन दसो के टहनिया ने क्यों डिग गई ने ए जी फल इतना है किस बूटे ते आई ना जी फल दी वजह तो त्रुट के आ गई तले जी वेखो ना ये दते कम अज कम 30-40 किलो वजन ने इस वजह तू ये त्रुटियां जी सही इस दे तले टेक दिमनी है टेक नहीं दीती मजदूरा तो अरे एदी वजह तो कोई बूटे नु नुकसान ते नहीं पहुंचदा नुकसान पहुंचदा जी अच्छा पहुंचदा ਤੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਟੇਕਾ ਟਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੱਪ ਕੇ ਅੱਛਾ ਟੇਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੜੀ ਨਾ ਤਰੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤਰੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਧ ਫੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲਾ ਜੀ ਵੱਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਤ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੂ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੱਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਤ ਤੇ ਦੁਖਾ ਸਪਰੇ ਵਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੋ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 3-4 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੋ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ बिल्कुल ठीक है
फिर गाड़ी के पास उतार दूं आपको। जल्दी करो जल्दी करो, मेरे को टापे कोई नहीं खा रही, मुक रही हो फिर। पेटी के अंदर कितने माल्टा आते हैं? ये ऐसा होता है कि जो बड़ा साइज होता है वो इतने ही कम आते हैं, मतलब अगर बड़ा साइज है तो उसमें 42 दाने आएंगे, जो जो साइज छोटा होता जाएगा दानों की तादाद बढ़ती जाएगी, यानी जो बड़ा साइज होता है वो 42 आते हैं, जो छोटा होता है 48, जो सबसे छोटा होता है वो 72 आ जाते हैं। अच्छा, मतलब शुरू 42 से लेके 42 से 72 तक होते हैं। अच्छा, तो ये पेटी का साइज फिर बड़ा भी होता है? बड़ा साइज भी होता है, छोटा साइज भी होता है। ये जो हम इसकी पॉपुलर की बना रहे हैं, ये है 8 किलो की, और ये जो कार्टन है ये 10 किलो का है। अच्छा, तो ये दोनों लकड़ी और जो गत्ती की जो ये पेटियाँ हैं ये दोनों एक्सपोर्ट होती हैं? हाँ, दोनों एक्सपोर्ट है। अच्छा, तो इसमें क्या माल ख़राब नहीं होता? नहीं, ख़राब नहीं होता है, ये क्योंकि अलग अलग जगह पे भेजनी होती है ना, तो जो काटन है ये ईरान जाता है, और जो ये पॉपुलर है ये हम भेजते हैं रियासतों में, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह में। ये उनकी अपनी अपनी डिमांड होती है, ये जो काटन है ये ईरान की डिमांड है, और ये जो पॉपुलर लकड़ की पेटी है ये इनकी उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान की डिमांड है। अच्छा, ये जो और जो है कहाँ के जो फल हैं, जो बड़े या छोटे, इनकी क्या है, किस तरह का होता है, कौन से मुल्क जो है? ईरान वगैरह है, ये तकरीबन बड़ा साइज होता है ना, ये लेते हैं, इनकी डिमांड जो होती है ये तकरीबन बड़ा साइज होता है।
और ये जो रशिया है ये तो बिल्कुल ही छोटे इनकी होती है डिज़ाइन, और ये जो रियासतें हैं इनकी भी तकरीबन छोटी होती हैं, यानी जो बड़ा माल होता है वो ज़्यादातर ईरान ही जाता है। यहाँ पे ये जो भरे हुए बास्केट है ना ये खाली हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, शुरू हो जाता है। लेकिन इसका क्या मकसद है, ये इस तरह क्यों मतलब इस तरह तरतीब से ये क्यों रख रहे हैं? नहीं तरतीब से नहीं है, यहाँ से मशीन में माल डाल रहे हैं, यहाँ कोई तरतीब नहीं है। अच्छा, बस यहाँ से डाल रहे हैं, प्रोसेस यहाँ से मशीन पर शुरू हो जाता है। अच्छा, नहीं तो ये लोग तो बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये उधर से जो माल है ना खराब, जो खराब माल है वो यहाँ से उठा लेते हैं, बजाय इसके कि आगे जाए वेस्ट जाए और यहाँ से ये शुरू से ही ले लेते हैं। ये पानी है, पानी से धुल रहा है? नहीं नहीं, इसमें पानी में ये टैक्सो डाल के ये जो ऐसे मार्केट में जख्म होता है ना, तो इसमें ये टीचर का काम करते हैं, ये जख्म ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ पानी ही हो रहा है, इसकी दवाई भी लग रही है? अच्छा, इसके साथ दवाई भी है और दवाई इसके ऊपर लग रही है। मशीन का ये हमने फॉर्म लगाया हुआ है, इसमें ये जो पानी ऊपर से खुश्क हो रहा है, ये नहीं वो चूस रहा है, और ये जो आगे वाला है ये ड्रायर है, यहाँ पे खुश्क हो रहा है। ये जो पालश हो रहा है ना माँ, अच्छा। तो इसमें ये बैक्स है, ये इधर लग रही है, इसमें मोटर के जरिए पंप के जरिए उधर जा रही है, इन उधरों के जरिए उधर क्वार्ट में होते हैं, जैसे वो पालश हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर वो पालश होता है? हाँ, यहाँ पर पालश होता है। अच्छा, वहाँ से खुश हो के आगे आता है, खुश हो यहाँ पर अपना ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद फिर ये पालश होता है। अब ये पालश लग रही है, पालश होती है उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो फिर चिपक जाती है, कुछ आया था अगर खुश ना हो फिर खराब हो जाती है। ये अगर ज़्यादा हीट हो जाए तब भी माल खराब हो जाता है, अगर कम हो तब भी खराब होता है, तो इसलिए ये जो होती है बरकरार रखनी पड़ती है। इसके मार्के के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो रखना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। अगर बर्नर लगा हुआ है ये ऑटोमेटिक होता है, जब इसकी हीट पूरी हो जाती है ये खुद ब खुद ट्रिप हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये जो है ये फिंगर ऐसे कहते हैं। अच्छा, ये एक एक जो दाना होता है ना उसे तरतीब से इन जो रूलर है ना इनके ऊपर रखते हैं। ये तरतीब क्यों दे रहे हैं, मतलब क्या इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ये साइज वार हो जाए, इसमें ग्रेडिंग हो जाए। अच्छा अच्छा, ये ग्रेडिंग हो रही है? ग्रेडिंग हो रही है, ये जैसे जितना मोटा होता है बड़ा ये इतने जल्दी ये नीचे गिर जाता है, जैसे ये ऊपर घूम रहा है ना तो ये फिंगर लगे हुए हैं, जैसे इनके साथ टच होगा ये जो रूलर है ये इतने तेजी से घूम रहा है कि ये माल्टा जब जो ही टच होगा ये नीचे गिर जाएगा। यानी ये साइज है इनका? हाँ, ये साइज ये साइज के मुताबिक जो सेटिंग इसकी बनी हुई है, जितना साइज बड़ा होगा उतनी ऊपर जो जो आगे साइज छोटा होता जाएगा ये छोटी होगी।
बैठे हुए हैं, ये कितनी स्पीड से ये जो पेटी है ये एक मुकम्मल कर लेते हैं? ये तकरीबन एक मिनट में एक की पैकिंग हो जाती है। हेलो, ये तकरीबन है 25 आदमी, तो ये एक मिनट में 25 कार्टन जो है ये पैक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद कोई अपना ये क्वालिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है? जब होती है तो ये खुद ही बाहर निकाल देते हैं, उधर पड़े हुए माल जो नाकस होता है वो उधर बाहर निकाल। यहाँ भी आने के चांसेस हैं? जाहिर सी बात है, उनके हाथों में आता है तो पता चल जाता है। उसके अंदर ये कितना पेटी के अंदर आ जाता है? ये तकरीबन एक पेटी के अंदर 72 आ जाते हैं। अच्छा, 72 आ जाते हैं। ये थोड़े छोटे होते हैं ना, इसलिए ये तादाद बढ़ती जाती है। अच्छा, तो इसी तरह जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो पेटी का साइज एक ही होता है? पेटी का साइज एक ही होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, पेटी का साइज भी है क्या, उसमें ये किलो का वजन भी एक ही होता है, सिर्फ तादाद बढ़ती जाती है। अगर 42 दाने हैं तो फिर भी वही वजन है, अगर 72 दाने हैं तो फिर भी वही वजन है। ठीक है।